हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हेल्थ घरेलू उपचार में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गंदे पीले भद्दे दांतों को मोतियों की तरह चमका सकते हैं और एक सुंदर मुस्कान पा सकते हैं। दोस्तों आज का गलत खान पान और लापरवाही के कारण कम से कम 75% लोग अपने दांतों के पीलेपन से परेशान हैं। दांतों के पीलेपन की वजह से अक्सर लोग खुलकर हंसना नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वे अपने दांतों को लेकर असहज महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई मेरे गंदे पीले दांतों को देखकर सोचेगा कि यह व्यक्ति जरूर बीड़ी सिगरेट पीता होगा, नहीं तो पान गुटखा या तम्बाकू खाता होगा, जिसके चलते इसके दांत काले पीले हो गए हैं। खैर दोस्तों, चाहे दांत किसी भी तरह से काले पड़ गए हों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव और कारगर है आपके गंदे पीले दांतों को सफेद करने और मोती उतर चमकाने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस नुस्खे को शेयर करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होगी लहसुन की। लहसुन एक आयुर्वेदिक चीज है, इसका इस्तेमाल बहुत ही पुराने समय से दांतों के लिए होता आ रहा है। यानी लहसुन दांतों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, क्योंकि इसमें एलिसिन एसिड पाया जाता है जो दांतों के हानिकारक बैक्टीरिया व जर्म्स को मारने और दांतों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। इसमें एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट की खूबियां भी होती है, जिस कारण ये दांतों पर जमे पीलेपन को हटाकर उन्हें मोतियों की तरह सफेद और चमकदार बनाने में मदद करता है। तो इस नुस्खे के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 से 3 लहसुन की कलियां लेनी है और उन्हें बारीक करके पीस लेना है। पीसने के बाद इसे किसी खाली कटोरी में निकाल लेना है। उसके बाद इसमें आधा चम्मच के आसपास नींबू का रस ऐड करना है। नींबू के रस में सिट्रिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण ये हमारे गंदे पीले दांतों को साफ कर देता है और हमारे दांतों पर जमी पीली परत को हटा देता है। उसके बाद आप इसमें 2 चुटकी के आसपास नमक ऐड कीजिए। नमक दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये हमारे दांतों को मसूड़ों को मजबूत करता है और उन्हें सफेद करता है। इसीलिए बहुत सी कंपनियों के जो टूथपेस्ट आते हैं उनमें नमक का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको इसमें आखिरी चीज ऐड करनी है, 1 चुटकी के लगभग हल्दी। हल्दी डालने के बाद इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इस मिश्रण को ब्रश पर लेकर अपने दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। इसका हफ्ते में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके दांत धीरे धीरे सफेद और चमकदार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।